इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। ऐसा लगता है कि हैदर और पयंबर आए हैं। ऐसा लगता है कि हैदर और पयंबर आए हैं। और हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। और किस कदर आराम मिलता है नबी की बज्म में, किस कदर आराम मिलता है नबी की बज्म में। ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं। ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं। देखिए हर तरफ से मुझे आवाजें आ रही है कि मुख्तसर कीजिए। मैं भी वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, इसलिए वक्त का लिहाज करते हुए, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए दो तीन शेर पढ़ने के लिए तशरीफ ला रहे हैं जनाब मद्दाहे रसूल फहीम अख्तर साहिब क़िबला, कि वो आए और अपनी नाते पाक से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। सिर्फ दो मिसरों के साथ मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, ऐसे ही बोलेंगे। जिंदा दिली के साथ बोलिए, उतनी जल्दी मैं हट जाऊंगा जितना जितनी जल्दी आप बोलेंगे। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल न सफीने की तरफ जाता है, न साहिल न सफीने की तरफ जाता है, इश्क इश्क पैदल ही मदीने की तरफ जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक।